यूं तो केकेआर ने अपना आखिरी मैच हैदराबाद के खिलाफ हारा था, लेकिन फिर भी केकेआर की अब तक की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि केकेआर इस बार आईपीएल जीतने की प्रबल दावेदार है। हालांकि एक टेंशन जरूर है जो गौतम गंभीर के दिमाग में इस वक्त आ गई होगी, और वो टेंशन है पुणे सुपर जायंट्स के खिलाड़ी बेन स्टोक्स। जी हाँ, आईपीएल के 41वें मुकाबले में पुणे सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला केकेआर से होगा। इस मुकाबले से पहले पुणे के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ इस न्यूज से गंभीर की टेंशन बढ़ गई है। गंभीर इस समस्या से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बेहद अहम मुकाबले में पुणे की टीम को केकेआर की मजबूत टीम से दो दो हाथ करने के लिए बड़ी हिम्मत मिल गई है, क्योंकि इस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स इस मुकाबले में खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। बेन स्टोक्स ने पिछले मुकाबले में गुजरात लायंस के खिलाफ शानदार शतक जमाया था। 63 गेंदों पर खेली गई उनकी 103 रन की तूफानी पारी की बदौलत ही पुणे को जीत मिली थी। इस पारी को खेलने के दौरान स्टोक्स को हैमस्ट्रिंग की समस्या का सामना करना पड़ा था। उनको दौड़ने में तकलीफ हो रही थी और 98 रन पर पहुंचने के बाद तो वो मैदान पर ही लेट गए थे। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और तकलीफ के बावजूद भी अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। लेकिन अब स्टोक्स पूरी तरह से फिट हैं और केकेआर के खिलाफ फिर से मैदान पर उतरने को तैयार भी हैं। यानी बेन स्टोक्स गौतम गंभीर की केकेआर के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।